हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ छोटे बच्चे में होने वाली कफ की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है ये। दिन भर बच्चा खांसता नहीं है और रात में इतना खांसता है कि पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं कि एक्चुअली इसे हुआ क्या है। देखिए, होता क्या है, जब बच्चा रात में सोता है तो उसका वह कफ बार बार उसके मुँह में आता है, जिसकी वजह से उसको बार बार खांसी होती है। छोटे बच्चे के साथ दिक्कत ये होती है कि वे कफ को थूक नहीं पाते हैं, तो वो कफ बार बार इसी तरीके से होते रहता है ऊपर नीचे, जिसके वजह से उसको बार बार खांसी आती रहती है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सा तरीका, इसे अपनाकर आप अपने बच्चे के इस कफ की परेशानी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको बेबी रब। देखिए, विक्स वेपो रब की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वह बड़ों लोगों के लिए होता है, बच्चों के लिए आपको चाहिए तो बेबी रब। करना क्या है कि थोड़ा सा बेबी रब बच्चे के गर्दन पे लगाना है, छाती पे लगाना है। उसके बाद जो आपको चाहिए वह है ये हॉट वाटर बैग। इसको बच्चे के कपड़े के अंदर रखना है। इससे ये होता है कि उसका सारा कफ जमता नहीं है, जिसके वजह से उसको बार बार खांसी आती रहती है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चों को बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। इससे उसका सारा कफ गल जाता है और अगले दिन पॉटी में सारा बाहर निकल जाता है। जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं, या तो कफ वोमिट के थ्रू बाहर निकलता है या कफ पॉटी के थ्रू बाहर निकलता है। जब बच्चे का कफ गल जाता है तो वो आराम से पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये होता है बहुत आसान तरीका। अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक वाटर बैग नहीं है तो आप कोई भी वाटर बैग यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, एक बार टच करके आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही बच्चे पे इसको लगाइएगा। और बिल्कुल भी बच्चे के स्किन पे नहीं लगाना है। जैसे कि वो टी शर्ट पहना है तो स्वेटर के अंदर इसको डाल दीजिए, इसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा नहीं ओढ़ाइए ये, क्योंकि इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो देखेंगे कि बच्चे का कफ बहुत ही जल्दी गल जाएगा और सारा कफ बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।